नमस्कार दोस्तों, नेगी स्किल्स पे आपका स्वागत है। आज जानेंगे हम कॉम्बर मशीन की कार्यविधि के बारे में, तो आइए चलते हैं। कॉटन के धागों के निर्माण के लिए यह मशीन महत्वपूर्ण होती है। इस मशीन के द्वारा छोटे छोटे रेशों को अलग किया जाता है, जिसे हम नोयल बेस्ट के रूप में जानते हैं, जिससे कि रेशों की औसत लंबाई बढ़ जाती है। रेशों को समांतर करना या पैरेलल करना, जिससे कि धागों में मजबूती रहती है। टॉप कॉम और यूनिकॉम की सहायता से नोयल बेस्ट निकाला जाता है। इसके अलावा कार्डिंग से आने वाले नेप्स को दूर किया जाता है, जिससे कि माल की क्वालिटी में सुधार आता है और निश्चित हैंग का स्लाइवर बनाया जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कॉम्बर मशीन के उद्देश्य क्या हैं। कॉम्बिंग प्रक्रिया में हाफ लेप या यूनिकॉम, जो कि नीचे लगा होता है, जब रेशों को लेके आगे बढ़ता है, उसी समय टॉप कॉम नीपर की सहायता से पीछे की ओर हटता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। उसी दौरान कॉम्बिंग क्रिया होती है, उसके बाद रेशों को डिटैचिंग रोल की सहायता से आगे बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से यह पूरी प्रक्रिया होती है। अब जानते हैं कॉम्बर मशीन के पुर्जों के बारे में। लेप रिसीवर या लिफ्टर, जिसकी सहायता से लेप मशीन के ऊपर आता है। गाइड रोल, इन दो रोलों की सहायता से लेप आगे बढ़ता है। लेप टेंशन रोल, टेंशन प्लेट लेप को टाइट करके रखना। टॉप आर्म, टॉप कॉम और इसके नीचे लगा यूनिकॉम, यह दोनों कंघी क्रिया करके छोटे छोटे रेशों को अलग निकालते हैं, जिन्हें हम नोयल बेस्ट के रूप में जानते हैं। बॉटम रोल, इन दो रोलों के बीच में स्लाइवर गाइड लगी होती है, जो कि स्लाइवर को इधर उधर जाने से रोकती है। वेब प्लेट, माल को संभाल के आगे ले जाना। डिटैचिंग रोल, यह भी दो रोल होते हैं, जो कि रबड़ के होते हैं और बॉटम रोल के ऊपर होते हैं। एंड बुश, यह डिटैचिंग रोल को लॉक करके रखता है। टॉप क्लियरर या डफू, जो कि डिटैचिंग रोल की सफाई रखता है। वेब प्लेट, माल को संभाल कर आगे लेकर जाना। टेकअप रोल, माल को ले प्लेट से लेके टेबल प्लेट पे भेजना। स्टीपर टेकअप रोल की सफाई रखती है। टेबल प्लेट, टेबल कैलेंडर रोल, या दो रोल होते हैं, जिनकी सहायता से माल टेबल पर जाता है। टेबल प्लेट ट्रम्पट, यह माल को स्लाइवर के रूप में परिवर्तित करता है। चार अलग अलग रंग के स्विच, सबसे पहले डॉफिंग स्विच, जो कि लेप को मशीन के ऊपर लाने के काम आता है। काले रंग का स्विच इंचिंग के लिए, लाल रंग का स्विच प्रेशर काटने के लिए और बंद करने के लिए, हरे रंग का स्विच मशीन चालू करने के लिए। टेबल स्लाइवर गाइड, यह स्लाइवर को गाइड करके आगे बढ़ाती है। हैंडल लॉक, यह टॉप रोलों को लॉक करके रखता है। टॉप ड्राफ्टिंग रोल, यह तीन रोल होते हैं और तीन ही बॉटम रोल होते हैं, यह रोल मिलके माल को ड्राफ्ट करते हैं, यानी खींचते हैं। प्रेशर बार, यह माल के ऊपर प्रेशर बना के रखती है। बॉटम ड्राफ्टिंग रोल, जिनकी संख्या तीन होती है, पीछे वाला धीरे धीरे घूमता है, बीच वाला थोड़ा तेज और आगे वाला सबसे तेज, जिससे कि माल में ड्राफ्ट किया जाता है। फनल, इसका आकार कीप की तरह होता है, जिसमें कि पीछे से स्लाइवरों को डाला जाता है और इसके सामने ट्रम्पेट लगा होता है, जो कि माल को स्लाइवर का रूप देता है। ड्राफ्टिंग कैलेंडर रोल की सहायता से माल को खींच के आगे भेजा जाता है। कन्वेयर बेल्ट, यह ड्राफ्टिंग से निकले स्लाइवर को कॉयलर तक लेकर जाती है। कॉयलर ट्रम्पेट, उस कॉयलर ट्रम्पेट के बाद कॉयलर कैलेंडर रोल, जो कि माल को कॉयलर तक लेकर जाते हैं। स्लाइवर की कॉयलिंग करके माल को कैन तक पहुंचाना। मशीन का बैक डोर, यहाँ पर भी फोटो सेल लगे होते हैं। डक्ट, जिसकी सहायता से नोयल बेस्ट निकाला जाता है। यूनिकॉम ब्रश, जो कि यूनिकॉम की सफाई रखता है। अब जानते हैं कॉम्बर मशीन पर बैच चेंज करने का सही तरीका।
कॉम्बर LK64 मशीन पर बैच चेंज करने का तरीका। सबसे पहले भरी हुई ट्रॉली मशीन के पीछे लगाएं, खाली स्पूल को बाहर निकालें एवं बचे हुए माल को इस तरह से काटें कि मशीन में एक सिरा बचा रहे। ब्रश की सहायता से टॉप कॉम और स्टीपर की सफाई करें। इसके बाद मशीन का कवर बिठाकर डॉपिंग स्विच से भरे हुए लेप को मशीन के ऊपर लेकर आएं। लेप की कटिंग करते हुए पिछले माल के साथ उसका जोड़ लगाएं। कवर को बिठाएं, इंचिंग स्विच की सहायता से मशीन को धीरे धीरे चलाएं। पीसिंग वाला माल अवश्य निकालें। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।